नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल से आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त पर चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं के बारे में आज चर्चा रहेगी। गुप्त जी की काव्य साधना बहुत बहुमुखी है। उनकी काव्यगत विशेषताओं को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम। गुप्त जी की भारत भारती रचना में उनकी राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ है। इस रचना में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना से ही ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात भी हुए। मातृभूमि भारत वंदना कविता में गुप्त जी ने अपने देश प्रेम को सांस्कृतिक गौरव के साथ अभिव्यक्ति दी है। यथा नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रभाव फूल तारे मंडल हैं, बंदी विविध विहंग शेष फन सिंहासन हैं। गुप्त जी के सामने प्राचीन गौरव और आधुनिक राष्ट्रीयता से युक्त देश और समाज की संकल्पना थी। इसके फलस्वरूप युगीन चेतना का स्वर उनकी रचनाओं में अधिक मुखर दिखाई देता है। साथ ही उसमें चिंतन का स्वर भी है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आवो विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी। इसी प्रकार गांधीवादी मानवतावादी आस्था गुप्त जी में देखी जा सकती है। गुप्त जी सुधारवादी आंदोलनों के साथ ही गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। इस कारण उनकी रचनाओं में गांधीवादी चिंतन का पर्याप्त समावेश हुआ है। उन्होंने जनसाधारण का कल्याण करना, लोक मंगल का प्रसार करना, सत्कर्म की प्रेरणा प्रदान करना तथा सादा जीवन, उच्च विचार का आचरण करना आदि पर अधिक बल दिया है। साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने गांधीवादी तथा मानवतावादी चिंतन एवं आस्था को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। इस संबंध में राम का वनवासी रूप में ये कथन द्रष्टव्य है, पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे वे औरों को भी तार पार उतरेंगे। वन में निज साधन सुलभ धर्म से होगा, जब मन से होगा तब न कर्म से होगा। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस प्रकार गांधी जी ने जिस रामराज्य की आदर्श कल्पना की थी और जिस विश्व मानवता का उद्घोष किया था, गुप्त जी ने उसका पूर्णतः समर्थन किया और अपनी रचनाओं में अनेक स्थलों पर विश्व बंधुत्व की मानवतावादी आस्था भी व्यक्त की है। किंतु हमारा लक्ष्य एक अंबर भूसागर, एक नगर सा बने विश्व हम उसके नागर। वैष्णव संस्कार गुप्त जी को बचपन से ही वैष्णव संस्कार मिले थे। वे रामराज की कल्पना के पक्षधर और राम भक्ति के कवि थे। अपने वैष्णव संस्कारों के कारण वे अति उदार एवं सहिष्णु प्रवृत्ति के थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में हिंदू संस्कृति और भारतीय दर्शन का गायन होने पर भी ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। उनकी विशेषता गुरुकुल तथा काबा और करबला रचनाओं में देखी जा सकती है। गुप्त जी वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्षधर थे। शील सदाचार और आदर्श संस्कार उनके लिए ग्राह्य थे। फलस्वरूप उनकी रचनाओं में अनेक आदर्शों की प्रतिष्ठा भी दिखाई देती है। साकेत महाकाव्य में भी गुप्त जी के वैष्णव संस्कार प्रमुख रूप से मुखरित हुए हैं। यथा मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति बचा मचाने आया। वैष्णव संस्कारों की आस्था तथा मानवतावादी चिंतन को लेकर गुप्त जी ने मानव समानता की अभिव्यक्ति भी की है। उन्होंने श्री राम के माध्यम से मानव समाज में समानता के अधिकारों की बात की है। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। नारी स्वतंत्र एवं सम्मान की भावना को भी गुप्त जी ने अपनी रचना में रखा है।
गुप्त जी का अन्यतम विशेषता भी मानी जाती है कि उन्होंने साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, द्वापर आदि रचनाओं में नारी स्वातंत्र्य, नारी स्वावलंबन एवं नारी की गौरव गरिमा का प्रभावपूर्ण निरूपण किया है। पंचवटी में वनवासिनी सीता को स्वावलंबी चित्रित करते हुए गुप्त जी ने नारी गरिमा की अभिव्यक्ति की है, यथा औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। जीवन में नर नारी परस्पर सहगामी पथिक होते हैं, लेकिन उनके बीच अविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ग्रस्त जीवन की सुख शांति समाप्त हो जाती है। इसी भाव को गुप्त जी ने इस प्रकार व्यक्त भी किया कि नर के बांटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं बहलाई। गुप्त जी की रचनाओं में साहित्य उपेक्षित नारी पात्रों का सुंदर चित्रण हुआ है। नारियों के प्रति उनकी करुण भावना ही नहीं अपितु अतिशय करुणा के भी दर्शन होते हैं। इनके चरित्रांकन से नारी चरित्र का सहज स्वाभाविक त्यागमय जीवन अभिव्यक्त हुआ है। यशोधरा, उर्मिला और विष्णुप्रिया ऐसी ही आदर्श नारियां हैं जिन्हें त्याग, सहिष्णुता, समर्पण, आत्मगौरव एवं करुणा से ओतप्रोत दिखाई दिया है। सिद्धराज में गुप्त जी ने नारी सौंदर्य का निरूपण कर उसे अबला से सबला, वात्सल्यमयी माँ तथा स्वाभिमाननी रूप में चित्रित किया है। अति कहा जा सकता है कि नारी भावना का निरूपण गुप्त जी को काव्य की काव्यगत अन्यतम विशेषता रही है। समाजोन्मुखी काव्य चेतना में सभी समस्याओं में उदात्त चरित्र चित्रण की प्रधानता दिखाई देती है, साथ ही देश और समाज के उद्धार में सहयोगी बनने की आकांक्षा उनमें स्पष्ट देखी जा सकती है। वे ग्राम और नगर, अरण्य और जनपद दोनों के सामाजिक जीवन के पक्षधर थे, इस कारण वे अपनी कविताओं में समाजोन्मुख बनाने में कवि कर्म को अपनाते हुए दिखाई देते हैं। धर्मच्युतों को धैर्य से कवि ही मिलाना जानते, वे ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते। गुप्त जी ने नहुष, किसान, प्रदक्षिणा, झंकार, जय भारत आदि रचनाओं में अपनी समाजोन्मुख काव्य चेष्टा का सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। राजा प्रजा की सहभागिता को समाजोन्नति के लिए परम आवश्यक भी बतलाया है। विगत हो नरपति रहें नरमात्र, और जो जिस कार्य के हों पात्र, वे रहें उस पर समान नियुक्त, सब जिए जो एक ही कुल मुक्त। समन्वित काव्य शिल्प की गुप्त जी की रचनाओं में अधिकतर कथानक पुराण इतिहास से लिए हैं, परंतु उन्हें राष्ट्रीय चेतना के अनुसार ढालकर सामाजिक संदर्भ को लक्ष्य करके निरूपित किया गया है। इन्होंने प्रबंध मुक्त काव्य शैली को अपनाया है तथा कथाश्रित गेयता का ध्यान भी रखा है। इनकी गेय रचनाओं में भक्त कवियों की तरह आत्मनिवेदन है तो रीतिवादियों का सौंदर्य विधान है। गुप्त जी ने प्रस्तुत विधान तथा अलंकारों का पूरा ध्यान रखा है तथा छंदों की गति यति के साथ भाषा की अभिव्यक्ति में वक्रता और विदग्धता का अतिशय समावेश भी किया है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि मैथिली संत गुप्त जी का काव्य सौष्ठव अनेक विशेषताओं से मंडित है। इनके काव्यगत भाव पक्ष और राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, लोक मंगल, पवित्रता, नैतिकता, सांस्कृतिक गौरव गरिमा एवं वैष्णव संस्कार मुखरित दिखाई देते हैं। काव्य शिल्प की दृष्टि से भी इनकी रचनाएं प्रभावशाली हैं और उनमें अभिव्यक्ति की सहजता तथा भावों की सशक्तता द्रष्टव्य है। अलंकार प्रयोग, अप्रस्तुत विधान, छंद विधान के साथ ही भाषा का विशुद्ध प्रयोग इनकी अन्यतम विशेषता है। हिंदी साहित्य का को समृद्ध एवं प्रभावपूर्ण बनाने में इनका विशेष योगदान माना जाता है। ये भारतीय संस्कारों और आस्तिकता के महाकवि होने के साथ साथ राष्ट्रकवि के रूप में समादरणीय रहे हैं।